एम बी ए प्रिफरेंस ऑल्सो हाई डिमांडिंग फील एम बी ए हाई डिमांडिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा अजीब सा है मुझे ही नहीं समझ में आ रहा बट जो मैं समझ पा रही हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नो कि हाई पेइंग स्पेशलाइजेशन या हाई पेइंग ऑफ फील्ड कौन कौन सी है तो इसमें सिंपल सी चीज है कि जो सबसे ज्यादा हाइएस्ट पेइंग फील्ड है दैट इज फिनेंस मार्केटिंग राइट right? इसके बाद आप आईटी में प्लान कर सकते हो राइट right? तो so ये सारी स्पेशलाइजेशन है व्हिच इज बेसिकली हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स एंड हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सवाल संडे तो ये बन एन के कुछ क्वेश्चन है आई हैव डन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी व्हिच स्पेशलाइजेशन इज गुड फॉर मी आप के लिए सारी स्पेशलाइजेशन ओपन है इट्स मार्केटिंग फाइनेंस डेटा एनालिटिक्स आपको ये देखना है आप किस चीज़ में अच्छे हो राइट right? आपको अपना करियर किस चीज में बनाना है बिग स्पेशलाइजेशन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन जहां पे आप रिसर्च कर रहे होते हो कि फ्यूचर स्कोप क्या है और साथ ही साथ आप उस चीज में अच्छे हो या नहीं आई गिव यू स्मॉल एक्साम्पल एच फाइनेंस लेते हो इफ यू नॉट गुड विद नंबर्स देन यू नंबल डू राइट एंड ऑफ द डे कंपनी पैसे आपको देगी तो दे नीड कैंडिडेट हुआ गुड एट इट सो आप ये देखो दैट आप किस चीज में अच्छे हो और उस चीज का स्कोप क्या है उस अकॉर्डिंगली आप स्पेशलाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करो यू कैन गो फॉर ऑल दी स्पेशलाइजेशन आइर इट्स मार्केटिंग फाइनेंस बट यू हैव टू डिसाइड With this moving to the next question, which is from Akshit चौधरी Hi, ma'am. मैं, Any college for MBA without entrance exam? ROI board होना चाहिए. Especially अगर आप अपनी profile के accordingly जानना चाहते हैं, नीचे form है, fill कर सकते हैं. But मैं in general एक बता रही हूँ. इस case में आप private universities कई सारी जैसे Bennett है, you know, they have their examination, BU MAT करके, right? जैसे आई एम है आप उसको टारगेट कर सकते हैं बिकॉज इट्स अगेन यूनिवर्सिटी दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी बिकॉज दे हैव देर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू तो स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहे होते हैं तो आप चाहो तो वैसे टारगेट कहीं ना कहीं कर सकते होट प्लीज गो फॉर माई ग्रेजुएशन इन फोर इय इंस्टेड थ्री डी एंड ऑफ द डे आप उसको जस्टिफाई कैसे करो ये मैटर करता है हर स्टूडेंट की प्रोफाइल में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं बहुत कम स्टूडेंट हैं बिच आर एक्सेप्शनली ब्लेड एंड एक्सेप्शन एक्सेप्शनली टैलेंटेड की आर एकदम अच्छा अकेडमिक है कोई गैप नहीं है पर यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि आपने तीन साल का कोर्स चार साल में कंप्लीट किया यू you नो know? ये ज्यादा मैटर करता है तो इसके साथ साथ एनी कॉलेज वेलिंग का टारगेट कर सकते हो मुझे लगता है कोर नहीं मिलेगा ग्रेट ले गुड़गांव टारगेट कर सकते हो आप यू बी टारगेट कर सकते हो जयपुर है आर I लेफ्ट mean, आप इन सबको टारगेट कर सकते हो जाइन टारगेट कर सकते हो तो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं नीचे फॉर्म है फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं जयपुर या गाजियाबाद जयपुर या गाजियाबाद ज्यादा बेटर है राइट इज एक्टिव एंड बी वर्थ इट वर्थ इट राइट आप मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है तीन लाख का पैकेज चार लाख का पैकेज राइट आफ्टर द आर लाइक दस लाख जो कि आप अपने अगर इन जनरल नॉर्मल तरीके से जाते हैं जॉब करते करते तो बहुत डिफिकल्ट है तो इट्स वर्थ इट राइट बट इस केस में इवन कॉलेज भी एम पी डी टी काउंसलिंग में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम मिलता है फाइनल ईयर के बेस पे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होती है जहाँ बच्चा ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकता है और इवन सी मैट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकता है बट थोड़ा सा यू नो कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है बिकॉज प्रेफरेंस जो है वो सीमैट को ही दी जाती है पर आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा वन ईयर ड्रॉप हो गया है कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया है कौन सा कॉलेज बेटर होगा मेरा लो फीस में एक बेस्ट कॉलेज बेटा आपकी प्रोफाइल यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है इस बेटर नीचे फॉर्म है फिल करो बात करो डिस्कस करो व्हाट इज योर अकेडमिक्स क्या लोकेशन आप देख रहे हो क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो व्हाट आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज एंड देन ओनली यू नो आल बी एबल टू टेल यू दैट आप कौन से कॉलेजेस बिकॉज अगर मैं ऐसे बोलूँ आपका कम स्कोर है लो फीस में यू नो एफ है डेली यूनिवर्सिटी कॉलेजे एफ एम एस है बट उसके लिए पर, परसेंटाइज ज्यादा या कई सारे एनआईटीज आप टारगेट कर सकते हो और अगर आप प्राइवेट में देख रहे हो तो रिम पुणे हैं कम फीस है और डेली एनसीआर में गलगोटिया है मंगलमय है जीएल बजाज है एमबीए के लिए तो यू you नो know,